काफी लंबी सुरंगें। गरम गरम पकोड़े। हुसैनी सस्पेंशन ब्रिज, नीचे 15 फुट का पानी। हुसैनी ब्रिज पे चक्कर मार के आए भाई, आयरन की कमी हो गई, अभी सेब खा के पूरी करेंगे। ओ मर गए ओए, ओ मोटे बंदे का कोई हाल नहीं है भाई। ओ मोटो, ओ डूब के मर जाओ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जनाब, पिछली केस में हमने एक जगह नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद हमने अपना सफ़र दोबारा शुरू किया। ये आप रास्ते के हसीन नज़ारे, पहाड़ वगैरह सब देख रहे हैं, तो आगे जाके हम कहाँ रुके, हमने क्या किया, वो सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह इस केस में। ये जी इधर हम एक गांव में रुके हैं, इस गांव का नाम है खैबर, देहात है, बड़ा प्यारा और ख़ूबसूरत। यहाँ से पानी भरेंगे हम लोग, पानी की बोतलें भरनी, पता नहीं चश्मे का पानी है किस चीज़ का, लेकिन साफ़ सुथरा पीने का पानी है। मोहम्मद और इमरान भाई वहाँ चश्मे के पास खड़े हैं, पानी शानी भर रहे हैं। मैं ज़रा अंदर आ गया हूँ थोड़ा सा पैदल रोड से अंदर करके ना, यहाँ बड़े सारे सेब के दरख्त लगे हुए हैं और यहाँ नीचे ना सब जगह सेब गिरे हुए हैं। ये देखें, आपको शायद नज़र आ रहे हो वीडियो में, छोटे छोटे बहुत सारे गिरे हुए हैं। तो आज ये टेंशन फ्री हो गए हम लोग, बिल्कुल ही कोई काम धंधा नहीं है, बस सुकून से बाहर 1-2 किलोमीटर गाड़ी चलती है, फिर रोक लेते हैं गाड़ी को। वापसी पे दोबारा हमारा पासू कॉन्स के पास गुजर हुआ, तो सोचा 2-3 छोटी छोटी वीडियोस होनी चाहिए। पंजराब से वापसी पर पासू क्रॉस करने के बाद आता है हुसैनी सस्पेंशन ब्रिज, तो अब हम यहाँ विजिट करने हैं और आपको भी करवाते हैं। हुसैनी ब्रिज की तरफ ऊपर जा रहे हैं हम लोग, यहाँ से मुड़ना है जी। हुसैनी ब्रिज सस्पेंशन ब्रिज, गाड़ी वहाँ रोड पे खड़ी की है, वहाँ से पता किया हमने, कोई 8 या 10 मिनट की कह रहे हैं वॉक है। पकोड़े, गरम गरम पकोड़े, मजा आ गया। चलो यानी ब्रिज पे जा रहे हैं, मुला मिले ना, आ जाओ सेंटर में, उधर मजा आएगा। ओए होए 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 होए, हुसैनी सस्पेंशन ब्रिज, नीचे 15 फुट का पानी और फट्टों की हालत है खस्ता। ठीक है, किसी जमाने से लगे हुए मेरे ख्याल से 6 वीडियो करते भी होंगे, तो भाई इनकी हालत फिर आप खराब है। ये इमरान भाई जा रहे हैं, थोड़ा झोल मार रहा है, हवा का प्रेशर भी आपको इधर वाड़ियों में इसका शोर बहुत आ रहा होगा। नीचे ये दरिया बह रहा है और बड़ा दिल गुर्दे का काम है भाई, इस पर चलना ना मजाक नहीं है। ओए 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 ओए, यहाँ पे मैं अलग से बैठ के बाद में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर तो हवा का शोर इतना ज्यादा था कि मेरी आवाज ही नहीं आ रही थी। बहरहाल हम, मैं और इमरान भाई थोड़ा सा आगे गए इस पुल पे, तो उसके बाद हमारी कांपें जो है वो टांगने लग गई। कहने का मकसद है कि हमारी टांगे कांपने लग गई, ऐसा झोल मारता है ना सेंटर में जाने के बाद के बंदे को उल्टियां आ जाती है। मेरे से तो हिम्मत नहीं हुई, इमरान भाई से भी नहीं हुई, तो हमने कहा चलो यार वापस चलते हैं, हमें कोई शौक नहीं है खामखा इतना खौफनाक काम करने का। 15 साल से कम उम्र बच्चों को भी आना अलाउ नहीं है, मोहम्मद खान हमारा इंतजार कर रहा है, तो उससे ज्यादा इंतजार नहीं करवाते और अब वापस चलते हैं। हुसैनी ब्रिज पे चक्कर मार के आए भाई, आयरन की कमी हो गई, अभी सेब खा के पूरी करेंगे। इसकी तो टांगे कांपने लग गई हैं, इसको भी खिलाओ आयरन किसका। आते हुए बड़ा आसान लगता है, लेकिन चढ़ते हुए अच्छा खासा महंगा पड़ जाता है रास्ता। भाई ठीक ठाक चढ़ाइए, ये रास्ते में इस तरह की छोटी छोटी शॉप्स आती है पूरे रास्ते में, ऑर्गेनिक रश जूस बार। बहरहाल हम अपना रास्ता चढ़ते हैं यार, मुश्किल है, हालत खराब है भाई। भाई साहब क्या हाल है, मैं आपके इमरान भाई के दोस्त से मिलवाता हूँ। ये देखें शक्ल मिलती है मेरी दोनों की। हाय 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 हाय, आयरन की कमी पूरी करते हुए जा रहे हैं, खून सड़ गया हमारा ऊपर चढ़ते चढ़ते, सांस चढ़ गई है उतर आते हुए, इतना पता नहीं चला। ओए ओए चढ़ाई अभी पता चल रहा है।
ओए मर गए ओए, ऐसी चढ़ाई इमरान भाई। तेरी तो जिंदगी तबाह हो गई है भाई। ओह मोटे बंदे का कोई हाल नहीं है भाई। ओ मोटो वो डूब के मर जाओ। हाय 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 ओफ ओए। ये देखें जी सस्पेंशन ब्रिज फैमिली गेस्ट हाउस हुसैनी गोजन हुंजा। ये हमारा गुजर जा रहा है। हाँ गुजरा वे मैनू नच के वखा। रहमान भाई की हालत पतली होगी, अब इससे चला ही नहीं जा रहा। फिर रहमान भाई क्या कहते हैं, कोई कोई शौक महंगा पड़ जाता है। ये बंदा गया भाई, एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी। मसला ये है पहले 105 किलो ऊपर से पाव पाव के दो सेब खा लिए, 105.5 किलो हो गया हूँ, तो आधा किलो ज्यादा हो गया हूँ। हुसैनी ब्रिज की मालूमात इस बोर्ड पे लिखी हुई है और ये रास्ता जाता है हुसैनी की तरफ। हुसैनी सस्पेंशन ब्रिज पे जब आते हैं और वापस जाते हैं तो साइडों में इस तरह के खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं और आगे बड़ी प्यारी खूबसूरत शॉप्स भी मिलती हैं जहाँ पे लकड़ी की बनी हुई चीज़ें आपको दिखाएंगे जो हाथ से बनाई गई हैं। ये देखें जी लकड़ी का हुनर दिखाया हुआ है, सब कुछ लकड़ी को तराश के ना कितनी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई गई है। ये कछुआ बना हुआ है, ये मेरे ख्याल से पता नहीं ये क्या है भाई, कुछ भी है। ज़बरदस्त, क्या बात है इमरान भाई, मानते हो कि नहीं इनकी कारीगरी को। ये अंदर लकड़ी के देखो सारे चीज़ें ही लकड़ी की हैं अंदर, ये आप देख सकते हैं सब कुछ हाथों से तराश के लकड़ी से बनाया हुआ है। लोकेशन बता दो, यूट्यूब पे डालो मेरे। कमाल हो गया यार, मैंने पहली मरतबा ऐसा हुनर देखा है। अब हम क्योंकि वापस आ रहे हैं तो वही सारी जगह फिर से हमारे सामने आती जा रही हैं जहाँ से हम ऑलरेडी विजिट करके जा चुके हैं। ये अताबाद लेक है, आगे जाके अताबाद लेक के बाद जो टनल्स आती हैं वो टनल्स आएंगी, सुरंग आएगी, वहाँ जाके हम रुकेंगे और पाकिस्तान का सबसे अनोखा खेल दिखाएंगे। हम मौजूद हैं जी इस वक्त अताबाद लेक के पास, जो लंबी सुरंग आती है 3-3.5 किलोमीटर इसका रास्ता है, काफ़ी लंबी सुरंग है। पीछे गाड़ियाँ वगैरह आ रही हैं, उनका शोर आ रहा है इसमें, तो ये हमारा मज़ा ख़राब हो जाता है जब किसी गाड़ी के अंदर से गुजरती है। आवाज़ इधर बड़ी ज़बरदस्त गूंज रही है, ठंड कितनी अंदर। पीछे गाड़ी आ रही है, ज़रा गुजर जाए तो फिर मैं आपको एक बड़े मज़ेदार चीज़ बताता हूँ। अभी एक आला बजाएंगे कराची से लेके आए, तो उसको बोलते हैं पाकिस्तानी बाजा। ये 14 अगस्त में हम लोग बजाते हैं इसको, इस सुरंग में बजाना और आवाज़ देखनी है कैसी है। इमरान भाई थोड़ा आप ट्राई करो यार, आप ट्राई करो इसको, ट्राई मारो मारो मारो, गाड़ी आ रही है। अरे यार क्या बात है, जबरदस्त मजा बताया है। वो गाड़ी वाला भी हॉर्न मार रहा है, ये क्या कर रहा है। ये लो यार मुझे बजाने दो, बड़ा मजा आ रहा है। बड़ी फूंक मारूंगा बड़ी। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज की किस्म में इतना ही, अगली किस्म में आपसे मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।